अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके सामने जो डिश लेकर हाजिर हुई हूँ उसका नाम है फ्राई आलू गोभी। तो ये एक यूनिक स्टाइल से मैं डिश बनाऊंगी। आपने वैसे तो गोभी हमेशा खाई होगी, लेकिन आज जो मैं स्टाइल आपके सामने शेयर करने वाली हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई गोभी बनाने के लिए जो मैं अज्जा दरकार है उसमें गोभी है आधा किलो, आलू मैंने चॉप करके रखे हैं एक पाव आलू, और प्याज है मीडियम साइज़ की, दो अदद प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ऑयल है एक कप, इसके अलावा दो अदद टमाटर हैं उसको मैंने उबाल के गर्म पानी में इसका छिलका उतार के इसको पेस्ट बना लिया है। इसके अलावा हरा धनिया चाहिए होगा हमें आधी गड्ढी, लहसुन अदरक का पेस्ट एक भर के खाने का चम्मच, तीन अदद हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, स्पाइसेस में है लाल मिर्च पिसी हुई एक खाने का चम्मच, धनिया पाउडर है एक खाने का चम्मच, हल्दी एक चाय का चम्मच, जीरा पाउडर एक चाय का चम्मच और साबुत जीरा जो है एक चाय का चम्मच। तो फ्राई गोभी बनाने के लिए हमें इन तमाम अज्जा की ज़रूरत होगी। आइए रेसिपी। सबसे पहले हम जो है वो कढ़ाई को गर्म कर लेंगे, उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे एक कप के जितना। इस ऑयल के अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये साबुत जीरा जो हमने एक चम्मच आपको बताया था साबुत जीरा, ये दोनों अदरक इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। तो इसको फ्राई कर लेंगे, फिर इसके अंदर हमारे जो ये बारीक कटे हुए आलू हैं इनको हम बरमाने साइज के आलू जो हैं कटे हुए हैं बारीक तो नहीं होता, तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। अभी हमारे आलू जो है वो फ्राई हो रहे हैं, तो हम इसके अंदर अब जो है वो थोड़े फ्राई हो चुके हैं, यानी कि 5 मिनट तक हमने इनको छोड़ दिया था। अब इसके अंदर हम ये कटी हुई प्याज डाल देंगे, कटी हुई प्याज को थोड़ा नरम होने तक बनाएंगे इसको। प्याज हमारी नरम होने की तरफ आ गई है, तो अब हम इसके अंदर अपने ये टोमेटो जो हमने बॉईल करके बारीक काट लिए थे उसका छिलका उतार लिया था वो हमने इसमें ऐड कर लिया। अब हम इसके अंदर ये तमाम स्पाइसेस जो हैं हमारे लाल मिर्चें पिसी हुई, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और पिसा हुआ जीरा, ये तमाम मसाले जो हैं इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा पिसी हुई हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको चम्मच चलाएंगे। नाजिम इसके अंदर हम हद ज़रूरत जो है वो नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद हमारी ये जो गोभी है कटी हुई ये शामिल कर देंगे, इसको फ्राई करेंगे। हाजिन अब इसको हम जो है ना दरमियानी आँच पर ढक्कन ढक के जो है वो 15 मिनट तक पकाएंगे, ये अपने ही पानी में गलेगी। तो अब इसे 15 मिनट बाद हम खोलेंगे। आगे का भी हमने ढक्कन निकाला है तो हमने देखा कि हमारी गोभी बहुत ही अच्छे से जो है वो फ्राई होने की तरफ आ रही है, तेल भी उसका निकल रहा है। हम इसकी आँच को तेज़ कर देंगे और ये देखिए आपके सामने इसका तेल निकल रहा है। इस जो है वो मौके पर हम यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे जो है ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हो तो इसे ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आगे हमारी गोभी तकरीबन तैयार है, अब तो हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। फ्राई भिंडी भी हमारी तैयार है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। और
नाज़रीन हमारी गोभी बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ इस चीज़ में कंजूसी मत कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हाजिर रहेंगे अगली वीडियो लेके आपके सामने। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए कुकिंग विद नहीं के साथ। अल्लाह हाफिज़।